नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरी नारायण प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नारायण, संरक्षक सरोज सारथी, सचिव बद्री आदित्य, कोषाध्यक्ष आशीष कश्यप, गोपाल केवट, पप्पू यादव द्वारा पूरे शिवरी नारायण नगर सहयोग से पीथमपुर में लगने वाले मेले में भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे नागा साधुओं के लिए उनकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचाया गया। यह पीथमपुर अंचल का इस सीजन का आखिरी मेला से पीथमपुर में लगा है। यहाँ रंगपंचमी से 10 दिन का मेला लगता है। रंगपंचमी पर कलेश्वर नाथ मंदिर से शिव जी की बारात निकलती है। शिव जी की बारात में शामिल होने जिले भर से बड़ी तादाद में भक्त पहुँचते हैं, जो मेले का भी आनंद लेते हैं। रंगपंचमी से शुरू हुआ पीथमपुर का मेला 10 दिन तक चलेगा। मेले में हर तरह के सामान की दुकानें लग गई हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए कई आइटम हैं। हवाई झूले के साथ मौत कुओं भी आया है। मेले की रंग पंचमी में भीड़ के मद्देनज़र सुरक्षा और अन्य व्यवस्था प्रशासन जुटी है। अवसर है पीथमपुर में आज से मेला प्रारंभ होगी। भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु आते हैं, कैसी क्या महत्ता है गुरुदेव बताएंगे? इसका महत्व दूर दूर तक है। भोलेनाथ की बारात रंग पंचमी के दिन निकालते हैं और मेले में जाते हैं, उधर से नदी जाते हैं, नदी से फिर स्नान करके फिर भोलेनाथ इधर आते हैं। यह मेला कब से लग रही है? ये 200 साल से लग रहा है मेला। नागा साधुओं की एक अनोखी परंपरा है। कितने सारे साधु कहाँ कहाँ से आते हैं? ये सब नासिक, हरिद्वार और इधर केदारनाथ, गुजरात से आते, जूनागढ़ से, जगह जगह से महात्मा आते हैं, उड़ीसा से, सब जगह से, मतलब पूरा प्रांत से आते हैं। मेला को लेकर के प्रबंधन द्वारा काफ़ी अच्छी तैयारी रहती है। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी शिवनारायण प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पीथमपुर मेला जो रंगपंचमी में लगता है उसमें पूरे शिवनारायण के दानदाताओं द्वारा जो दान दिया जाता है नागा साधुओं के लिए, उनकी जरूरत के सामान के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे उनको ला के पहुँचाया गया है। और आशा करते हैं हम हर साल ही इसी तरह के कुछ अच्छे नए कार्य करते रहें, जिससे प्रेस क्लब का नाम अच्छे रहे और प्रेस क्लब के हमारे सभी सदस्य आज यहाँ पहुँचे हैं। संरक्षक हमारे सरोज सारथी जी, सचिव हमारे बद्री आदित्य जी, कोषाध्यक्ष आदेश कश्यप जी और सह सचिव हमारे गोपाल केवट जी और मैं, इसी तरह हमारे और बहुत सदस्य हैं जिन्होंने कल सामान के वितरित करने में अपना सहयोग दिया था। और मैं नगरवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ के तीन चरणों में अपना सेवा रूपी जो भी दान दिया है, भगवान उनका दोगुना चौगुना और तरक्की करे ताकि अगले साल इसी तरह वो सहयोग करते रहे। धन्यवाद।